हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने व्यूअर्स को एक स्पेशल झूमर बताने जा रही हूँ। बीडेड झूमर है और मैंने ये बनाया है, बहुत अच्छा है, आप जरूर बनाइएगा। ये मैं आपको दिल से सजेस्ट कर रही हूँ इस चीज़ को के लिए, क्योंकि मैंने भी बनाया है और मेरे मतलब मैंने मैंने लगाया तो सभी लोगों ने बहुत इसकी तारीफ की है। तो आप, मेरे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप छोटा ही सही लेकिन जरूर इस झूमर को ट्राई करिएगा। और इसके लिए मैंने यहाँ पे एक लच्छा, मुझे यहाँ मैक्रम लगा है, मैंने बस एक ही लच्छा मैक्रम यूज किया है। और ये 6 इंच का राउंड रिंग है वन पीस, ये 5 इंच का राउंड रिंग है वन पीस, और ये 4 इंच का राउंड रिंग है वन पीस। इसमें अगर आपको थोड़ा सा ऐसे आप मार्केट में जाते हैं रिंग लेने के लिए तो आपको ये साइज 6, 5, 4 का नहीं मिले, तो थोड़ा सा पॉइंट का अगर डिफरेंस हो, 4 की जगह पे 3.5 हो, 5 की जगह पे अगर 4.5 हो, 6 की जगह पे 7 भी हो, या फिर आपको मतलब थोड़ा सा कम ज़्यादा 1/2 इंचेस का डिफरेंस चलेगा। और मैंने यहाँ पे 100 ग्राम्स, मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ, 100 ग्राम्स मैंने यहाँ पे ये हैंगिंग बेल्स है ऑरेंज कलर का लिया है, और 50 ग्राम्स मैंने यहाँ पर ये पिंक बेल्स लिया है, और ऑरेंज बीट्स जो है इस तरह का वो मैंने 100 ग्राम लिया है, पर्पल बीट्स जो है वो मैंने 100 ग्राम लिया है, स्काई कलर का बीट्स है वो भी मैंने 100 ग्राम लिया है, और ये जो रेड कलर का बीट्स है वो हमको 25 ग्राम में हो जाएगा, और ग्रीन कलर का बीट्स है वो भी मैंने यहाँ पे 100 ग्राम का यूज किया है। ये बीडेड झूमर है और इसमें बस मोतियों का काम है और किसी चीज का काम नहीं है, मतलब ये सब का काम थोड़ा ही है, बस इसमें मोती ज्यादा लगता है, तो इसलिए ये बीडेड झूमर है। आप जरूर मुझे कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर भी करें, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाने का प्रोसेस। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप होगा, ये मैंने यहाँ पर 26 कॉर्ड काटा है और प्रत्येक कॉर्ड मैंने यहाँ पर 3 मीटर का काटा है, 26 कॉर्ड है, 26 कॉर्ड है और 3 मीटर का है, 3 मीटर का। और इसको, इसके सेंटर के पीस को हम इस तरह से एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, और उसके बाद मैंने यहाँ एक्स्ट्रा 2 मीटर का कॉर्ड अलग से लिया है, 2 मीटर का 1 कॉर्ड, और हमको जैसे यहाँ हैंगिंग के लिए जितना स्पेस छोड़ना है उस स्पेस पे हम यहाँ पे एक डबल नॉट लगा लेंगे, सिंपल जैसे हम गांठ लगाते हैं किसी कॉर्ड में, उसी तरह से हम यहाँ पे गांठ लगा लेना है, और इसके बंद वाले भाग को हमको इस तरफ प्रेस कर लेना, मतलब आगे इस तरफ खींच लेना है, इधर हम लपेटेंगे। अब हमें इसे रैप करते जाना है बाहर से इस तरह से, गोल गोल, बस सिंपल है, गोल गोल घुमाते जाना है बस। यही है कि कॉर्ड थोड़ा लंबा रहता है तो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्टीज होती है, बट यहाँ मैं बता रही हूँ आपको इसलिए हो रही है मुझे। इस तरह से हमें कॉर्ड को गोल गोल घुमाते जाना है, और जितना लेंथ चाहिए उतना लेंथ तक, इसे हम हल्के हाथों से गोल गोल घुमा लेंगे, और हमें इसमें जितना लेंथ चाहिए उतना लेंथ तक इसको घुमा करके तैयार कर लेते हैं पहले। हल्के हाथों से आप इसको गोल गोल घुमाएं, इस तरह से देखिए, अभी नहीं हुआ है हैंगिंग के लिए, थोड़ा सा बड़ा बनना है आप, क्योंकि इसको आप ऐसी जगह कहीं टांगेंगे जहां पे इसका होल बड़ा होगा तो आपको आसानी होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरा कॉर्ड कम पड़ गया है, लेकिन हमको उसमें और यहाँ पे रैप करना है, तो यहाँ पे मैं कॉर्ड को जोड़ लूंगी।
देखिए फ्रेंड्स, कॉर्ड जोड़ने के लिए दो कॉर्ड को लेना है और हल्का सा मेल्ट करना है और चिपका करके ऐसे गोल घुमा लेना है। अब इस तरह से हम ये देखिए इसको यहाँ पकड़ लेंगे, प्रेस कर लेना है दोनों को, थोड़ा सा आगे खिसका लेना है और इस तरह देखिए अब ये लग रहा है कि मतलब इस तरह से इतना मैंने किया है, ये मैं आपको काउंट करके बताऊंगी। अब हमको दोनों कॉर्ड को लेना है दोनों, और पूरे को हमें पूरे में रैप कर लेना है। यहाँ पे हम थोड़ा टाइटली रैप करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा टाइटली रैप करते हैं इसको। यहाँ मैंने हाफ मीटर कॉर्ड और एक्स्ट्रा अटैच किया था। अब हम इसको स्टिच कर लेंगे, पिघला लेंगे हल्का सा और इसको अंदर की तरफ इस तरह से स्टिच कर लेना है। देखिए ये बिल्कुल अंदर चला गया और पता ही नहीं चल रहा है कि किधर एंड है, और ये वाले को आप इस तरह से इसमें से खींच ले ऐसे ऊपर की तरफ सारे कॉर्ड को ऐसे पकड़ के, तो ये आपका हैंगिंग का डिजाइन बन जाएगा। इस तरह से हमें फर्स्टली हैंगिंग के लिए बना लेना है ये डिजाइन। अब इसके बाद का स्टेप होगा, यहाँ पे हमें बीड्स लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब इसके इसको रैप करने का आपका फर्स्ट स्टेप होगा। ये जो फोर कॉर्ड है, टू कॉर्ड हम ऊपर से लेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स टू कॉर्ड हम ये जो बिल्कुल ऊपर दिख रहा है ये मैंने लिया है और टू कॉर्ड मैंने अंदर की तरफ से लिया है, मीन्स फोर कॉर्ड लेना है और फोर कॉर्ड में हम यहाँ पर एक बीड्स लगा लेंगे और फोर कॉर्ड को अंदर डालते हुए चारों कॉर्ड के कोने को हम बराबर कर लेंगे। और ये जो मैंने बीड्स यूज किया है उसका होल काफी बड़ा है, तो इसमें चार कॉर्ड जो है वो आसानी से अंदर जा रहा है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सारे कॉर्ड को फंसा लिया है। ये फर्स्ट टाइम मैं ये डिजाइन बना रही हूँ आपके लिए, तो इसमें मुझको पहले खुद बनाना पड़ता है, फिर मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे सारे कॉर्ड को देखिए, ये वन मतलब ये फोर कॉर्ड का एक मोती में लगा हुआ है, तो यहाँ वन मोती, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन एंड ट्वेल्व मोती है, और ट्वेल्व मोती के बाद हमको इसके सेंटर में का फोर कॉर्ड छोड़ देना है। ये वन टू थ्री फोर कॉर्ड छोड़ देना है, तो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं ताकि ये बाद में इसमें कोई दिक्कत ना आए। इसको हम अच्छे से इसको कवर कर लेते हैं एक इलास्टिक बैंड से, इस तरह से हम इसको सब अलग कर लेते हैं। और बाकी का जो कॉर्ड है मेरा, ये मैंने यहाँ पर ये जो सारे कॉर्ड फोर कॉर्ड को लेकर एक मोती में फंसाया है, अब हम इसको फाइव इंच का जो मेरे पास रिंग है इसके ऊपर हम फंसाएंगे। फाइव इंच का रिंग है फ्रेंड्स, तो ये इसका हाफ होगा ढाई इंच। फाइव इंच का रिंग में हम सेंटर में अगर फंसाएंगे तो ये ढाई इंच का चारों तरफ से हमको डिस्टेंस छोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए फर्स्टली हम क्या करेंगे, मेजर ये जो टेप है आप ऐसे अंदाजे से भी कर सकते हैं, पर मैं आपको मतलब एक मेजरमेंट बता रही हूँ। देखिए ये ढाई इंच है, ये फोर कॉर्ड का ये लेना है ढाई इंच यहाँ तक का आता है, तो यहाँ पर हमें एक दो आप बना लेंगे तो उसके बाद कॉर्ड को लेना है, कॉर्ड को नीचे की तरफ से लेना है और टू टाइम्स इसको हम
मेजरमेंट टेप से देख लें, ये 2.5 इंच हो रहा है, तो 2.5 इंच लेकर और यहाँ पे इसको साड़ी कॉर्ड को हमें रैप करते जाना है। कॉर्ड के नीचे से हमको निकालना है। और फ्रेंड्स एक बात ध्यान रहे, इसका बैलेंसिंग एकदम बढ़िया बनना चाहिए, क्योंकि बैलेंस जरा सा भी इधर उधर होगा तो ये टेढ़ा दिखेगा। जिस कॉर्ड का जैसा पोजीशन है उस हिसाब से हम पहले पोजीशन सेट कर लेंगे। इस तरह से हम सारे कॉर्ड को देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें सारे कॉर्ड को इसमें ऐसे ही फोल्ड मतलब फंसा लेना है रिंग में सारे कॉर्ड को। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला रिंग अटैच करने के बाद जो मैं नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमें 2 कॉर्ड लेना है, और उसमें मैंने यहाँ पे स्काई कलर का बीड्स लगाया है। तो 2 कॉर्ड लेकर और स्काई कलर का एक बीड्स लगाएंगे, फिर अगेन 2 कॉर्ड और लेंगे और इसमें हम स्काई कलर का बीड्स लगाएंगे। अब 2 स्काई कलर का बीड्स ये वाला डिजाइन मैं आपको यहाँ पे बनाना बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 कॉर्ड लिया, उसमें 2 कॉर्ड में दोनों कॉर्ड में मैंने स्काई कलर को डाला है। अब हम 4 कॉर्ड लेंगे। अब हम ये 2, 2, 4 ये 4 कॉर्ड लेकर अब हम इसमें ऑरेंज कॉर्ड को फंसाएंगे। 4 कॉर्ड लेना है और ऑरेंज बीड्स में हम इसको डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑरेंज 2 कॉर्ड दोनों बीड्स को अच्छे से सेट कर ले, उसके बाद ऑरेंज बीड्स डालना है और एक एक करके सारे कॉर्ड को हम खींच लेंगे और फिर इसको सेपरेट करके फिर से इसको सेपरेट कर लेना है और इसमें
दो स्काई कलर का बीट्स लगा लेना है। दोनों, और उसके बाद हमको इसको रिंग में अटैच करते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ। यहाँ मैंने, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 5 इंचेस का सेकेंड रिंग लिया है। अब हमको इस कॉर्ड को अंदर कर लेना है। हम ये वाला एक डिजाइन बनाएंगे और उसको रिंग में अटैच करते जाएंगे एज यूजुअल, जैसे हम अटैच करते हैं। हल्के हाथों से अटैच करें, ज्यादा खींच के नहीं अटैच करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करते हुए। आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। सारे कॉर्ड को हम एक एक बार ऐसे खींच लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये वाला डिजाइन बनेगा। फिर अगेन मैं आपको एक और बता देती हूँ। 2 कॉर्ड लेना है, 2 कॉर्ड में बीट्स लगाना है। फिर उसके बगल का 2 कॉर्ड लेना, उसमें फिर स्काई कलर का बीट्स लगाना है इस तरह से। अब ये 4 कॉर्ड ले लेना है। आप इसमें छोटा बीट्स नहीं यूज करें, मीडियम साइज का ही दूसरे डिजाइन का आपके पास आप बीट्स यूज कर सकते हैं। और ऑरेंज कॉर्ड, ऑरेंज बीट्स लेकर ऑरेंज बीट्स लेना है और एक एक करके कॉर्ड को खींच के और फिर सेपरेट कर ले दो दो कॉर्ड को फिर से। और दोनों कॉर्ड में फिर यहां मैं एक भी नॉट नहीं यूज कर रही फ्रेंड्स। मैंने ये सेकेंड लाइन बनाया, मैंने एक भी नॉट नहीं यूज किया है, क्योंकि इसे मैं अच्छे से एक झूमर की तरह प्रेजेंट करना चाह रही हूँ आप लोगों के सामने, इसलिए मैंने नॉट नहीं लगाया। दोनों में बीट्स लगा लेना है। अब सारे कॉर्ड को नीचे कर लेना। और इसको इस तरह से हल्का टाइट खींच के बैलेंसिंग कर ले पहले। डबल टाइम्स रिंग को कवर कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमको सारे कॉर्ड में और अंदर का जो हम 4 कॉर्ड छोड़े हुए हैं उसको तो छोड़ ही देना है, अंदर के 4 कॉर्ड को। बाकी सारे कॉर्ड को से लेकर हमें इस तरह से डिजाइन बना लेना है। और ये जो ऊपर का मैंने आपको बीट्स लगाना बताया था, बीट्स उसको हम किसी एक पोजिशन पे सेट कर लेंगे एज आपके चॉइस के अकॉर्डिंग। ऊपर चाहे तो ऊपर और नीचे चाहे तो नीचे आप बीट्स को सेट कर ले। और इस तरह से हम ये सेकेंड लाइन भी बनाकर तैयार कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये वाला लाइन बना लिया। अब हम इसमें इस तरह से कॉर्ड को फंसाएंगे। फोर कॉर्ड को लेना है। अब हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे, फोर कॉर्ड को लेना है और सेंटर का टू कॉर्ड में मैं यहाँ पर्पल बीट्स डालूंगी। पर्पल बीट्स डाल के और इसमें नॉट लगा लेना है। ये सिंपल सा है डिजाइन, आप जरूर ट्राई करिएगा, बताइएगा कैसा लगा। ऐसे ही पूरे में ऐसे ही करना है, फोर कॉर्ड को लेना है, फर्स्ट लाइन तो ऐसे ही तैयार करना है हमें। और एक पर्पल बीट्स लेके और फिर एक नॉट लगा लेना है। इस तरह से हम पूरे में ऐसे ही एक पर्पल बीट्स लगा करके नॉट बना करके तैयार कर लेते हैं फर्स्ट लाइन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक लाइन पूरा बनाकर फिनिश कर लिया। अब हम दो नॉट के बीच में एक नॉट लगाएंगे और मैं यहाँ पे पर्पल बीट्स ही यूज कर रही हूँ। दो नॉट के बीच एक नॉट लगाना है। टाइटली नॉट लगाएं और खींच लें। दो नॉट के बीच एक नॉट लगाना है। इस तरह से हम सेकेंड लाइन को तैयार कर लेंगे, दो नॉट के बीच एक नॉट लगाते हुए। देखिए फ्रेंड्स, दो लाइन मैंने यहाँ पे पर्पल कलर का फिनिश किया है। अब थर्ड लाइन मैं यहाँ पे रेड कलर यूज कर रही हूँ। तो जैसे मैंने वही दो नॉट दो कॉर्ड को लेना है, सेंटर के दो कॉर्ड को, और उसमें एक बीट्स लगाना है। ये मैं मल्टी कलर झूमर में है ये मेरा, और मैं इसको फर्स्ट टाइम खुद से सोच सोच के बना रही हूँ। तो मुझे नहीं मालूम कि ये कितना बड़ा होगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, पर जैसा बने वो आपके सामने रहेगा। तो इस तरह से हम दो नॉट के बीच एक मोती लगाकर और इस डिजाइन को फिनिश कर लेते हैं। यहाँ रेड कलर यूज कर रही हूं मैं। तो इस तरह से हम थर्ड लाइन में ये रेड कलर यूज कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये रेड वाला लाइन फिनिश कर लिया थर्ड लाइन। अब हम फोर्थ लाइन पर्पल कलर का बनाएंगे। पर्पल कलर का दो बी मतलब एक सिंगल बीट्स लगाकर दो नॉट के बीच एक नॉट लगाते हुए आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप बीट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हल्के हाथ से थोड़ा नॉट लगाएं, क्योंकि इसमें मैं इससे बड़ा साइज का रिंग डालूंगी। दो नॉट के बीच से नॉट लगाते हुए यहाँ हम ये फोर्थ लाइन बना लेंगे। और दो लाइन मैंने यहाँ ऊपर बनाया है, फिर एक लाइन ये, हाँ ये रेड कलर से। तो यहाँ दो लाइन में फिर पर्पल कलर का मैं डबल लाइन बना करके इस डिजाइन को तैयार कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये दो लाइन पर्पल और एक लाइन रेड, फिर दो लाइन पर्पल का मैंने यहाँ तैयार कर लिया है। अब यहाँ मैं रिंग लगाऊंगी। ये रिंग आप देख लीजिए, ये 6 इंचेस है। इसमें एक मतलब एक आध पॉइंट का कम रहे तो इसमें कोई बात नहीं है। और हम इस रिंग में कॉर्ड को अटैच करेंगे। कॉर्ड को अटैच करना तो आपको मालूम ही होगा। आपके पास 7 इंचेस का है रिंग तो आप 7 इंचेस का भी रिंग यूज कर सकते हैं। 1 बाय 1 करके डबल टाइम्स एक कॉर्ड को डबल टाइम्स में अटैच करना है। अगर आपके पास 7 इंच का रिंग हो तो आप 7 इंच के रिंग में इसको फिट करें।
मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 इंच का रिंग यूज किया है। आप कोई और डिजाइन मुझसे चाहते हो तो जरूर मुझे कमेंट करें। अगर आपके पास किसी मतलब मैक्रम प्रोडक्ट का कुछ इमेज हो जो आप चाहते हो मुझसे बनवाना तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। सारे कॉर्ड को हम इसी तरह से इसमें फोल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये लाइन 5 लाइन 2 लाइन पर्पल और 1 लाइन रेड फिर 2 लाइन पर्पल लगा करके ये रिंग को इसमें फंसा लिए हैं। अब हम एक एक्स्ट्रा कॉर्ड लेंगे। एक मैं अलग से 2.5 मीटर का कॉर्ड मैंने लिया है और ये जो आप इसमें रिंग में फंसाएंगे तो ये बीच बीच में रिंग खाली रहेगा, तो इसमें हमें कॉर्ड को लेना है एक्स्ट्रा कॉर्ड जो है और उसमें रिंग में एक नॉट लगा लेना है। एक नॉट लगा के इसको कट कर लें और पहले इसको लाइटर से हल्का सा पिघला करके और चिपका लेना है। ठीक है, अब हम इसमें एक बीट्स ऑरेंज पर्पल और स्काई कलर और ग्रीन कलर का बीट्स लगाएंगे हम, और ये जो खाली सेकेंड खाली स्पेस है इसमें हम इसको जैसे हम रिंग में फंसाते हैं इसमें फंसा लेंगे। वन टाइम ही मैं हम इसमें इसको फोल्ड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमको यहाँ पर कॉर्ड को लेकर इसमें फंसाना है तो उसके लिए पहले ऑरेंज, मैंने जैसे आपको बताया ऑरेंज फिर पर्पल फिर स्काई कलर और फिर ग्रीन कलर का कॉर्ड में मोती को डालना है और इस तरह से हम मैंने आपको जो इसके पहले बताया उसको आप चेंज करें और इस तरह से टाइट करते हुए, ज़्यादा टाइट नहीं करना हल्का सा, और फिर फोर कॉर्ड को छोड़कर खाली हिस्से में, देखिए फोर कॉर्ड को छोड़कर खाली हिस्से में मैंने इस तरह से यहाँ पे बीट्स को लगाया है। फिर हम ऑरेंज कलर लेंगे फिर पर्पल फिर स्काई कलर और फिर ग्रीन कलर का लेना है और हमको इसमें से फोल्ड कर लेना, सॉरी इसमें ऊपर से एक और देख लीजिए, ऊपर से अंदर निकालते हुए और फिर डबल टाइम्स इसको फिक्स कर लेना है इस तरह से। इस तरह से हम सभी में ऐसा ही फिक्स कर लेंगे इसको डिजाइन। ये वाले डिजाइन को हम इसके जस्ट बगल में एंड करेंगे। फिनिश करना है यहाँ पे इस लाइन को। इस तरह से ये डिजाइन भी हो गया और यहाँ का जो रिंग है वो भी कवर अप हो गया। इस तरह से
ये जो डिजाइन है वो बनकर तैयार है। इस तरह से इसको सेट कर लें बीड्स को ये नीचे में। देखिए फ्रेंड्स, जो एंड का लाइन है इस वाले कॉर्ड को, जिसमें से मैंने ये डिजाइन बनाया था, वन इंच की डिस्टेंस पे काट लेंगे और इस तरह से हल्का सा पिघला लेना, हल्का सा नहीं कुछ ज्यादा सा पिघला करके और इसको चिपका लेना है। और वन इंच के डिस्टेंस पे नहीं, आप बिल्कुल सटा के काटे, टाइट से खींच लेना है और हल्का सा मेल्ट करके और चिपका लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये डिजाइन बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, देखिए फ्रेंड्स, और फिर अब हम ऐसे ही सेम लाइन बना लेते हैं, एक और लाइन बना करके दो लाइन के बीच एक ऐसा लाइन बना कर तैयार करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने फिर यहाँ पे 2 मीटर का कॉर्ड लिया और उसको 4 बीट्स यहाँ मैंने बनाया है, तो उसको सेंटर में 2 बीट्स के सेंटर में मैं इसको लूंगी और यहाँ पे एक नॉट लगा लेना है और इसको मैं कट बाद में लगा दूंगी, कट लगा के इसको ज्वाइंट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पहले एक ऑरेंज बीट, जैसे मैंने ऊपर डाला था ऑरेंज, पर्पल, उसके बाद मैं एक यहाँ पे इस तरह का ये पिंक वाला बेल्स लगाऊंगी और फिर स्काई कलर और फिर ग्रीन मोती, तो इसको डाल के और हम यहाँ पर जो पर्पल के बीच में ये वाला कॉर्ड में 4 मोती है, तो 4 मोती के सेंटर में 2 मोती के बीच में हम ऊपर से, देखिए ऊपर से नीचे की ओर निकालेंगे और टाइट कर लें इसको और फिर उसी जगह पे डबल टाइम्स अंदर से, जैसे हम रिंग में कॉर्ड को फोल्ड करते हैं ठीक उसी तरह से यहाँ पे टाइटली फोल्ड कर देना है। और फिर एक और एक दो और देख लीजिए, पहले ऑरेंज बीड्स, फिर पर्पल, उसके बाद बेल्स, फिर स्काई बीड्स और फिर ग्रीन बीड्स, स्काई बीड्स, ग्रीन बीड्स लगाना है और ये 2 मोती के बीच में जो थोड़ा जगह बनाना है अपने को और इस तरह से टाइट कर लेना है, हल्का सा पकड़ लेना है ऐसे टाइट कर और ऊपर से फिर डबल टाइम्स इसको फिक्स कर दे। इस तरह से देखिए ये ऑरेंज बीड्स और फिर पर्पल और फिर बेल्स, इसके बाद स्काई कलर का बीड्स, फिर ग्रीन कलर का बीड्स लेना है और यहाँ ये पर्पल कॉर्ड के बीच से फ्रेंड्स, आपको ये मैं छोटा सा झूमर बता रही हूँ, आपको कैसा लगा आप बताइएगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा और डिजाइन को ज्यादा अच्छे से बना करके और बड़े साइज में अगर आपको इस तरह का झूमर चाहिए तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, मैं जरूर बताऊंगी दूसरा वीडियो। ऑरेंज, पर्पल, फिर बेल्स, स्काई बीड्स और फिर ग्रीन बीड्स लेना है और नेक्स्ट वाले डिजाइन से इस तरह से यहाँ टाइट कर लेना है। ये बहुत इजी है फ्रेंड्स, बस इसमें मोती 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 लगेगा और ये बहुत देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहती हूँ कि मैंने जो आपको मोती बताया है, सॉरी मैं जिस मोती से बना रही हूँ आप भी उसी मोती से बनाएं, क्योंकि ये वाला बीट्स का साइनिंग ही कुछ और होता है। तो
तो इससे ये ज्यादा कुछ ज्यादा ही ये इस चीज़ को एनहेंस करता है झूमर को। अब यहाँ लास्ट में कर रही हूँ फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपको ये वाला भी बता देती हूँ। ऑरेंज बीट्स, फिर पर्पल बीट्स, और फिर बेल्स लेना है हमें पिंक बेल्स, और फिर स्काई बीट्स, और फिर ग्रीन बीट्स, और फिर लास्टली हमें इसी वाले से हम जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था उसी पे मैं डबल टाइम्स केस को एंड करना है और कट लगा लेना है, और दोनों कट वाले भाग को एक जगह मिलाकर और हम इसको पिघला लेते हैं दोनों को एक साथ और दोनों को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से ये वाला मेरा जो ये लेयर है ये देखिए कितना अच्छा है। इसको है ना ऐसे हल्का हल्का ऐसे ऐसे खींच ले तो ये है ना ऑटोमेटिक सब बीट्स अपने क्रम में अच्छे से बैठ जाएगा और बेल्स भी ऐसे ऐसे हैंगिंग होने लगेगा। अगर आप यहाँ बेल्स नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसमें वो घुंघरू लगा सकते हैं, वो जो कलरफुल घुंघरू मिलता है मार्केट में, तो ये जो हिलेगा तो ये विंड चाइम का इसमें इफेक्ट आएगा। तो इस तरह से ये वाला मेरा डिजाइनर बन करके तैयार है। अब हम देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा झूमर जो है पूरा बनकर तैयार है। अब हम इस यहाँ नीचे में ये जो कॉर्ड है इसमें अब हम बेल्स लगाएंगे। तो बेल्स लगाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, बेल्स को लगाने के लिए सबसे पहले हम कोई भी दो कॉर्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जो मैंने हैंगिंग पोजीशन यहाँ पे लगाया है इसके थोड़े से नीचे इतने दूर पे देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ते हुए हमें दो कॉर्ड को लेकर और कट लगाना है। देखिए ये कॉर्ड है तो मैं इसे थोड़ा सा लंबा कॉर्ड दो कॉर्ड को लेना है बिल्कुल देख देख के। छोटे से बड़े करते जाना है इस तरह से हमें को सारे बेल्स को कट लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये वाला जो मेरा दो कॉर्ड है ऊपर का इसमें अब हम बीट्स को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑरेंज कलर के बीट्स को लगाएंगे। दो कॉर्ड लेना है दोनों में, पहले ऑरेंज फिर पर्पल, इसके बाद स्काई कलर का बीट्स और फिर ग्रीन कलर का बीट्स ये लगा करके, और हम यहाँ पे ऑरेंज बेल्स को हैंग करेंगे। तो ऑरेंज बेल्स को डालना है और यहाँ पर अच्छे से मेल्ट करके इसको चिपका लेना है इस तरह से। सेकेंड वाले में भी हम सेम वैसा ही करेंगे, सभी कॉर्ड में फ्रेंड्स वैसा ही हम पहले ऑरेंज बीट्स फिर पर्पल और फिर स्काई कलर का बीट्स डालना है। ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में लगेगा और फिर ग्रीन, और उसके बाद हम एक बेल्स को लेंगे और लाइटर से
इसको ज्वाइंट कर इस तरह से हमें लटका लेना है। एक और देख लीजिए, सबसे पहले ऑरेंज कलर, उसके बाद पर्पल, फिर स्काई और लास्ट में ग्रीन कलर का लेकर अब हम इसमें एक बेल्स लेंगे ऑरेंज कलर का और उसको हैंग करना है। इस तरह से, इसी तरह से हम सारे कॉर्ड में ऐसे ही मोती और बेल्स लगाकर सारे कॉर्ड को तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पर बीट्स को छोटे से बड़ा करते हुए फंसा लिया है। अब जो सेंटर का मैंने यहाँ पर फोर कॉर्ड छोड़ा था उसको मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस देकर काट लिया है लंबा। अब हम उसमें मोती लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सेंटर का जो ये फोर कॉर्ड है जो मैंने आपको बताया था छोड़ना, अब मैंने बताया आपको उसमें बीट्स लगा रही हूँ मैं, तो मैंने फर्स्टली फोर कॉर्ड को लेकर ऑरेंज, पर्पल और स्काई और ग्रीन कलर का बीट्स लगाया। फिर मैंने दो दो कॉर्ड सेपरेट कर लिया, उसके बाद मैंने फोर पर्पल कॉर्ड बीट्स लगाया, उसके बाद फिर मैंने ग्रीन, स्काई और पर्पल और ऑरेंज बीट्स लगाया है। तो मैं ऐसा यहाँ पे दो ब्लॉक बनाऊंगी, तो आप देख लीजिए। ये फोर कॉर्ड को लेना है और उसमें पहले ग्रीन, सॉरी, पहले हम ऑरेंज बीट्स डालेंगे, यहाँ पे ऑरेंज बीट्स डाल के आप एक नॉट लगा लें सिंपल सा, तो ये फिक्स हो जाएगा। या फिर आप नहीं लगाएं, क्योंकि ये इतना, मतलब इसका थिकनेस इतना ज्यादा है कि ये नीचे आएगा ही नहीं। इसमें नॉट डालने से इसका डिजाइन थोड़ा सा खराब लगेगा। हम इसमें पहले ऑरेंज बीट्स डालेंगे फोर कॉर्ड को लेकर। आप बड़ा होल वाला ही बीट्स सेलेक्ट करें, उसके बाद पर्पल, फिर स्काई कलर, और फिर ग्रीन कलर। बीट्स डालना है, और फिर इसमें से दो दो कॉर्ड को सेपरेट कर ले, एक एक कॉर्ड को पहले हल्का हल्का खींच ले और बीच का जो है उसको ठीक कर ले। और फिर अब दो दो कॉर्ड को सेपरेट कर लेना है और एक कॉर्ड में हम दो पर्पल बीट्स लगाएंगे, वन टू, और इधर भी दो कॉर्ड में हम लगाएंगे वन एंड टू, और इसको इस तरह से कर लेना है। और फिर हमको फोर कॉर्ड को लेकर पहले हम ग्रीन बीट्स लगा लेंगे, पहले ग्रीन बीट्स लगा लेना है और फिर स्काई कलर का बीट्स लगाना है। और फिर पर्पल, फिर लास्ट में ऑरेंज बीट्स इस तरह से लेकर और एक एक कॉर्ड को फिर से खींच ले, खींच कर और इसको इस तरह से सेट कर लेना है हमें। ये
दो ब्लॉक मैंने यहाँ बनाया और फिर अब लास्ट में यहाँ पे जो हैंगिंग बेल्स लगेगा नीचे में, उसके लिए अब हम देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर जो सबसे लंबा कॉर्ड है मेरा जो हैंग हो रहा है उससे थोड़ा सा लंबा लंबाई में हम इसको कट लगा लेते हैं और फिर अब हम इसमें आप जैसे चाहें इसमें बेल्स डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और फिर अब हम ये फोर कॉर्ड में अलग अलग एक ऑरेंज, पर्पल, स्काई कलर एंड ग्रीन कलर का बीड्स डालेंगे और ये एक बेल्स ऑरेंज कलर का लगाएंगे सिंगल कॉर्ड में और अच्छे से इसको पिघला लेना है और यहाँ पे स्टिक कर लेना है। इस तरह से हम चारों कॉर्ड में ऐसे ही करेंगे, ऑरेंज, पर्पल, स्काई, ग्रीन्स और फिर उसके बाद बेल्स लेकर इसको स्टिक कर लेना है। इस तरह से हम चारों लाइन ऐसे ही लगा करके इस डिजाइन को तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये झूमर बनाकर इसको फिनिश कर लिया है, ये देखिए। और ये बीच का आप लाइन, ये लाइन देखिए, मैंने इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्टिंग से आपको बता देती हूँ इसका एक डिस्क्रिप्शन। फर्स्टली मैंने यहाँ पर 26 कॉर्ड लिया और एक एक्स्ट्रा कॉर्ड मैंने 2 मीटर का लिया। 26 कॉर्ड जो मैंने लिया है वो 3 मीटर का मैंने काटा है प्रत्येक कॉर्ड, और फिर यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा ढाई मीटर का कॉर्ड लिया है, उसको रैप किया। फिर उसके बाद इसमें मोती लगाया मैंने 4 कॉर्ड को लेकर, उसके बाद फिर 4 इंच के कॉर्ड में मैंने, इंच के रिंग में मैंने इस सभी कॉर्ड को अटैच कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 कॉर्ड लेकर और स्काई कलर का बीड्स डाला, फिर 4 कॉर्ड लेकर ऑरेंज बीड्स डाला और फिर 2 कॉर्ड को सेपरेट करके मैंने यहाँ पे ये क्रॉस वाला डिजाइन बनाकर और है ना इसको 5 इंच के रिंग में मैंने अटैच कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्पल कलर का बीड्स, 2 लाइन पर्पल कलर का बीड्स और 1 लाइन फिर रेड कलर का बीड्स, फिर 2 लाइन पर्पल कलर का बीड्स डाल के और इसके बाद 6 इंच के रिंग में मैंने इसको अटैच किया। और उसके बाद मैंने एक एक्स्ट्रा कॉर्ड 2 मीटर का लिया और जो रिंग दो नॉट के बीच में जो जगह बचा था, स्टील का जो रिंग दिख रहा था उसमें मैंने दो गांठ लगा कर के उसके पॉइंट को कट कर दिया। उसके बाद मैंने 4 बीड्स डालकर एक पर्पल, सॉरी पहले मैंने यहाँ पर ऑरेंज बीड्स डाला, फिर पर्पल, फिर स्काई कलर और फिर ग्रीन बीड्स डालकर फिर डबल टाइम्स मैंने यहाँ पर फोल्ड करके इस तरह से डिजाइन बनाया, फिर उसको मैंने यहाँ पे फिनिश किया। फिर उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा 2 कॉर्ड लिया है 2 मीटर का एक कॉर्ड और फिर यहाँ से 4 मोती के बीच में मैंने यहाँ पर इसको अटैच करके और 2 मोती लगाकर फिर एक बेल्स लगाया और इस तरह से मैंने ये डिजाइन बनाया। उसके बाद मैंने छोटे से बड़े करते हुए मैंने कट लगाकर ये झूमर का शेप दिया है इसको और फिर प्रत्येक में मैंने यहाँ पर ऑरेंज, पर्पल, स्काई और ग्रीन बीड्स लगाकर और ये ऐसा बेल्स लगाया और लास्ट में सेंटर का जो 4 कॉर्ड था उसमें मैंने पहले ऑरेंज, पर्पल, स्काई कलर, फिर ग्रीन, फिर 4 सेपरेट कर करके इस तरह से मैंने यहाँ पर डबल लाइन बनाया और फिर लास्ट में मैंने 4 कॉर्ड को सेपरेट कर लिया और 4 कॉर्ड में मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे बेल्स लगाकर इसको तैयार कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, देखने में बहुत सुंदर है और मैंने इसको 250 रुपया इसमें मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे ये झूमर तैयार हो गया मेरा। देखिए फ्रेंड्स, ये झूमर बनकर मेरा बिल्कुल तैयार है। आपको ये मेरा अगर वीडियो पसंद आया
पसंद आया तो जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।